नमस्कार दोस्तों, आज जिस गाने को हम सीखने जा रहे हैं उस गाने का नाम है बालिका वधु, जो कि एक उड़िया सॉन्ग है और इसको हम सीखने जा रहे हैं स्केल एफ शार्प माइनर पे। तो सबसे पहला लाइन आता है हे हे आहा हा, हे हे ला 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 हे हे आहा हा, हे हे ला 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 उसके बाद एक म्यूजिक पीस आता है इसको हम स्लो बजाएंगे। इसको हम 4 बजाएंगे। उसके बाद लाइन आता है तू कहिले चांद को आनी करी देवी तो मथार चंदन बिंदु। तू कहिले चांद को आनी करी देवी तो मथार चंदन बिंदु। इसको हम स्लो में बजाएंगे। तू कहिले चांद को आनी करी देवी तो मथा र चंदन बिंदु। उसके बाद लाइन आएगा तू कहिले निदरे तोर सबु राति झरेबी पूर्णमी इंदु। इसको हम इस तरह से बजाएंगे। तू कहिले निदरे तोर सबु राति झरे भी पूर्णमींदु। इसको हम स्लो में इस तरह बजाएंगे। तू कहिले निदरे तोर सबु राति झरे भी पूर्णमींदु। उसके बाद लाइन आता है भूल बुझीबुनी मते पिलाटी दिनरु तते मने मने भाभी छिमो बालिका वधु। तो इसको इस तरह से बजाएंगे। भूल बुझीबुनी मते पिलाटी दिनरु तते मने मने भाभी छिमो बालिका वधु। तो इसको हम स्लो में इस तरह से बजाएंगे। भूल पूछी बुनी मते पिलाटी दिनरु तते मने मने भाभी मो बालिका वधु। उसके बाद लाइन आएगा बालिका वधु, जो कि 4 बार होगा। बालिका वधु बालिका वधु बालिका वधु बालिका वधु। इसके बाद आएगा इस गाने का अंतरा, जिसका पहला लाइन है अझटिया पीला दिनो किए मागे तारा जन्हो किए मागे कौंढे। तो इसको हम इस तरह से बजाएंगे। अझटिया पिला दिन किए मागे तारा जन किए मागे कंढे। तो इसको हम स्लो में बजाएंगे। अझटिया पिला दिन किए मागे तारा जन किए मागे कंढे। उसके बाद लाइन आता है हेले मु आखिरे रहीचु एका तू आउ किछि मागी नहीं। इसको हम इस तरह से बजाएंगे। हेले मो आखिरे रहीचु एका तू आओ किछि मागी नहीं। इसको हम स्लो में जाएंगे। हेले मो आखिरे रहीचु एका तू आओ किछि मागी नहीं। उसके बाद ये लाइन रिपीट होगा। उसके बाद लाइन आएगा दोष दबुनी तू मते मो बदलिनी सते मो आखिरे ए जाए तू। जिसको मिस्र बजाएंगे। दोष दबुनी तू मते मो बदलिनी सते
मो आखिरे जाए तो। उसके बाद बालिका वधू आएगा जो कि चार बार हम उसको बजाएंगे। बालिका वधू बालिका वधू बालिका वधू बालिका वधू। इस तरह इस गाने का मुखड़ा और अंतरा दोनों हमने ख़त्म कर दिया। अगर इस गाने का म्यूज़िक आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।